हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो कि निकल के आ चुका है LIC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, LIC की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, और अगर मैं बात करूँ पोजिशन की तो बहुत अच्छी इसके अंदर आपकी पोजिशन रहने वाली है। सो वीडियो को आपने अंत तक पूरा ज़रूर देखना है, ताकि आपको हर एक आस्पेक्ट इस जॉब के बारे में आपको पता लग सके। चाहे वो जॉब लोकेशन हो, जॉब पोजीशन हो, अप्लाई करने का मोड हो, या एक सिंगल सिंगल आपको कोई भी छोटी छोटी बात आपको पता लग सके पूरी डिटेल में। सो वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर उन्होंने भी वो भी एलिजिबल हैं तो आप भी वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। उससे आपको हर एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। और साथ ही के साथ अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट www.clury.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, गूगल में टाइप करिए www.clury.com, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है हर एक नोटिफिकेशन ले सकेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा। तो आपको आपकी ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा जब भी हम अपडेट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ रिक्रूटमेंट की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे ये नोटिफिकेशन कहाँ से आउट हुआ है। सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट है LIC की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से, मतलब LIC HFL की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और इसके बाद इसके अंदर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है उसके लिए 18 जून 2021 रहेगी, और इसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सेम डे से। लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन सबमिट करने की है 4 जुलाई 2021। ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, आपको लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें वन स्टेप सिलेक्शन है जिसमें आपकी इंटरव्यू होने वाली है, और इंटरव्यू के थ्रू ही आपकी जो है सिलेक्शन इसके अंदर होगी। सो आपको सिंपली एक इंटरव्यू पास आउट करनी है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट लिंक है, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आउट हुई हैं उनके लिंक भी मैंने इसी पोस्ट में दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कलेक्टर ऑफिस की है, स्पोर्ट किंग की है, सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट जो आउट हुई है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइवेट जॉब्स हैं, 8th एंड 12th के लिए ग्रेजुएशन जॉब्स के हैं अलग से, वर्क फ्रॉम होम जॉब भी आपको इसी पोस्ट में मिल जाएंगी। तो लिंक दिए हुए हैं, चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन की, तो डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल रहेगी आपकी, और इसके अंदर आपकी सैलरी जैसे मैंने आपको कहा था बहुत अच्छी है, 20,000 पर मंथ आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी। और अगर मैं बात करूं इंसेंटिव स्ट्रक्चर का, तो बहुत ही अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी रहता है, जिसमें आपको अगर आप इनकी परफॉर्मेंस इनके टारगेट्स के ऊपर कमिट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव भी दिया जाएगा। सो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आपकी जो इसके अंदर रहने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। सबसे पहले आपको जो लीड्स दी जाएंगी, मतलब आपको कुछ एक नंबर या आपको कुछ एक नाम नंबर्स दिए जाएंगे जिनको आपको कॉल करना होगा, और उन लीड्स को टेलीकॉलिंग के थ्रू मच्योर करना होगा या हॉट लीड में कन्वर्ट करना होगा। आपको जो पुरानी लीड्स आपको मिली हुई हैं उनको फॉलोअप भी करना होगा। सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो भी मच्योर हो जाती है उनका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी लेनी, वो आपको ही करना पड़ेगा। लोन प्रपोजल तक आपको सेंड करना पड़ेगा। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये तो हमारे आता है नहीं, हम करेंगे कैसे, तो आपको इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप घबराइएगा मत, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो आप ट्रेनिंग गो थ्रू करने के बाद ही जॉब के ऊपर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, मतलब CRM एज आ काम करना होगा आपको आफ्टर सेल, मतलब जैसे अगर कोई सेल हो भी जाती है तो आपको उनको प्रोवाइड करना है, ताकि अगर कोई दिक्कत आ रही है उनको तो वो हेल्प आप करें। सो पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग करनी होगी आपको, ठीक है जी। कोई अदर स्पेसिफिक टाइम टू टाइम अगर आपको कोई जॉब दी जाती है, लेट्स सपोज कोई टास्क असाइन किया जाता है, तो वो आपको साथ के साथ करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है। आपको सेल्फ ड्रिवन रहना है और मल्टी टास्किंग। सेल्फ ड्रिवन इन द सेंस के आपको टीम लीड मिलेगा, मतलब जो आपको लीड करेगा, लेकिन आपको सेल्फ ड्रिवन खुद से ही तरीके निकालने होंगे अपनी जॉब को करने के, आपकी जॉब अपना जो टास्क दिया उसको कंप्लीट करने के। और मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे हो सकता है आपको एक से दो काम दिए जाएं तो आपको वो करने पड़े। आपके अंदर अच्छे कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए तभी आप उनको प्रपोजल वगैरह भेज पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाए तभी आप उनको टेलीसेल्स कर पाएंगे।
और आपको सेल्स के लिए पैशन होना चाहिए। देखिए मैं यही कहता हूँ, सेल्स हमेशा वही कर पाता है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। आपको खुद को पहले कन्विंस करना, तभी आप सेल्स के प्रोफाइल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अप्लाई कर लीजिए। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, जिन भी कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में और मास्टर डिग्री की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आउट हुई है। जिनकी एज मिनिमम 21 से लेके 35 तक है, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। इसेंशियल स्किल्स है गुड कम्युनिकेशन स्किल और रिटन एंड ओरल आप में होने चाहिए, और आप में रिसर्च एंड एनालिसिस स्किल्स होने चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स इन द सेंस, लेट सपोज आपको कोई प्रपोजल है आपके पास, तो आपको किसी को एलेबोरेट करके समझाना है, तो आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए, तभी आप उनको समझा पाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी आपसे नहीं मांगी जाती है, तो रिक्वायर्ड भी नहीं है, आपने किसी को पे भी नहीं करना। के लिए अगर आपको कोई कॉल करता भी है तो आप किसी को पे मत करिएगा। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड लिंक्स। सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए यहाँ से और उसको एक बारी ब्रीफ आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली। माइट बी उस तक कोई पॉइंट हमसे स्किप हो जाए तो आप खुद भी एक बारी चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाना है, आपको प्रोफाइल बनानी है अपनी, अपने डॉक्यूमेंट और अपना CV अपलोड करना है, और आपको वहाँ से कॉल आएगी खुद। ठीक है जी, तो जैसे आपको पता है COVID-19 के चलते हुए सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी कुछ एक चीज़ें ओपन हुई हैं, तो आपको जैसे ही भी होगा HR गाइड कर देंगे जो भी नेक्स्ट स्टेप रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन करना है, कोई दिक्कत आए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोबारा से एक बार बताना चाहूँगा, किसी तरह की कोई फ़ी कोई पेमेंट किसी को मत करिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अप्लाई करना है और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है LIC की तरफ से, सो जल्दी से आप जाके अप्लाई कीजिए। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, अभी चलूँगा, मिलूँगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।